दोस्तों, आज हम लोग इल्तुतमिश के शासनकाल के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हम लोग देखे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में चौगान आधुनिक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र आराम शाह, जो कि एक अयोग्य व्यक्ति था, अतः उसकी अयोग्यता का लाभ लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश ने शासन को हथिया लिया। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत को एक नया स्वरूप दिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। मुहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे उसकी दास्ता से मुक्त कर दिया था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। 1234-35 ईस्वी में तुर्कों ने भिसला के एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और नष्ट किया। इल्तुतमिश के समय अवध में पिरछू का विद्रोह हुआ था। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों सरदारों की एक टुकड़ी रखी थी, जिसे तुर्कान ने चहलगामी या 40 मंडल का दल कहा जाता था। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया। जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करता हुआ सिंध तक आ पहुंचा, जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। 1230-31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ग्वालियर के विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। उसने मिन्हाजुस्सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को
संरक्षण प्रदान किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई। उसने एकता की शासन प्रणाली और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। उसने मुद्रा में सुधार किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किए। इल्तुतमिश ने इकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया। डॉक्टर के एस निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक पद प्रदान किया। इसी प्रकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कों अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन के समय में उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला वह थी। इसे जनसमूह द्वारा अपदस्त कर उसकी पुत्री रजिया को सुल्तान बना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस की स्थापना की उसे गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश का दूसरा प्रमुख शासक इल्तुतमिश हुआ, इसीलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।